असें इनें इस बारी लीड करने जताना ते मैं थोड़े अगे सारी रिक्वेस्ट करगा ते किश लोग बड़े र्यूमर छुड़ावे ए दिमाग दे ए उतरे दे इन्हें उत्थे चली जाना इं तो मोदी भी गुजरात दे वो दिल्ली के करा दे भी वो भी कहने जुड़ने आए दिया बिजली दिखने नहीं आए दिया मेरे दोस्तों इस चीज के अपने दिल के लाइट हो आज अगर बिजली चली जाओ हेलो हेलो तो उठे करे चली जाओ या तो बिजली दिखने आए दो मेरे दोस्तों साढ़े को अगर तूफान भी आना आंधी भी आन साड़ी आवाज को कोई दबाई नहीं सकता जुड़े बिजली की तारे करे नहीं जुड़े शुक्रिया ते हुण मैं रिक्वेस्ट करंग श्री सुरजीत सिंह और जेड़े साढ़े लास्ट पंचायत जुड़े हुए हैं और सरब सिंह हुंदे कन्ने इस तरह है कि जेड़ी अल्फाज बयान नहीं होंगी और मैं सारे रिक्वेस्ट करंग कि अपनी अपनी कुर्सी पर आई जान और ये जेड़ा प्रोग्राम है ये जबरदस्त प्रोग्राम है ये प्रोग्राम जेड़ा है साढ़े जेड़े साढ़े दिल की धड़कना ना साढ़े कन्ने जेड़े जुड़े लोग हुंदा है जो हमारे साथ जुड़े थे पहले और कुछ नए जुड़े थे उन्होंने यही कहा था कि आप फैसला कीजिए मेरे पर उन्होंने छोड़ा हुआ मेरी कोर्ट में उन्होंने गेंद रखी हुई है कि आप फैसला करिए कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या आप किसी पार्टी के उसमें जाएंगे पक्ष में। तो अभी पौनी में हमारे वर्कर्स जो हैं उनका सलाह और उनकी हमारे जो वोटर्स हैं उनकी राय लेना बाकी है। भमा की जो पंचायतें हैं वहां पर मुझे जाकर के इस विषय पर जो है वो उनकी राय लेना भी अभी बाकी है और कटरा की जो है आज राय आ रही है हमारे पास। तो इसके बाद निकाय और पंचायत के इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद हम फैसला करेंगे हम किसी पार्टी के साथ जाएंगे या हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। कटरा के युवाओं से कुछ कहना चाहोगे? देखिए कटरा के जो युवा हैं बहुत समझदार हैं और बहुत एक पढ़े लिखे युवा हैं आजकल कटरा के। पूरे देश से नहीं पूरे दुनिया भर से यहाँ पे हमारे जो यात्री लोग हैं वो आते हैं उनके साथ वो डील कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आइंदा भी बहुत अच्छा करेंगे। तो मेरी ये अपील है कि देख सुन करके अपने मतदान का जो है इस्तेमाल करें किसी जात पात पे नहीं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके अच्छा कैंडिडेट जो है उसको सपोर्ट करें और आने वाले जो चुनाव हैं वो चाहे वो असेंबली के हैं या जनरल इलेक्शन हैं अच्छी तरह से अपना जो सूझबूझ से अपने मतदान का इस्तेमाल करें अपने समाज में भाईचारे को कायम रखें किसी इज्म में किसी जात पात के किसी मजहब धर्म के उसमें आड़ में आकर के या भकावे में आकर के किसी किस्म का कोई कदम ना उठाएं। और यही मैं कहूंगा कि हमारी जब तक हमारा देश सुरक्षित है जब तक हमारी जमहूरियत सुरक्षित है जब तक यहाँ पे कानून की व्यवस्था जो सुरक्षित है हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए हम आपके साथ हैं। जय हिंद जय भारत जय माता दी। ऊपर को होने तय हुए हैं इस वक्त प्रचार जो है चुनावों का वो जोरों शोरों से चल रहा है। तो इसके हवाले से मैं सबसे पहले इसके जो हकदार हैं चुनाव करवाने के क्योंकि एक बहुत समय के बाद निकाय चुनावों की तरफ किसी ने नजर डाली है तो वो हमारे रियासत के गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक साहब जी हैं जिन्होंने ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है चुनाव करवाने का। इसके बाद पंचायत के चुनाव भी हैं तो कुछ पार्टीज जहां पे हमारी रियासत में जो कहती हैं कि नहीं जी ये चुनाव नहीं होने चाहिए हालात ठीक नहीं है मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर की आवाम को इस तरह से मत बहकाइए। 1996 में चुनाव हुए उस वक्त हालात ठीक थे 2002 में चुनाव हुए उस वक्त हालात ठीक थे 2008 में 14 में और इसके बीच में कितने ही जनरल इलेक्शन हमारे देश में हुए हैं और जम्मू कश्मीर में भी साथ में हुए हैं कभी चुनाव यहाँ पे टले हैं तो ये चुनाव टल जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। हालात ठीक या खराब हो सकते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दी है कि वहां पे सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम किए हुए हैं किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो इसी तरह से मैं यहाँ रियासी और कटरा और जम्मू की जितने भी इस वक्त वोटर्स हैं जो फील्ड में हैं कैंडिडेट्स हैं उनसे मेरी अपील है कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए आप मजे से चुनाव कीजिए अपने डेवलपमेंट पर केंद्रित कर दीजिए अपने जो ख्याल हैं आपके वो बदल दीजिए हकीकत में। तो इसमें किसी भी किस्म की कोई डरने घबराने की बात नहीं है यहां तक मेरा ताल्लुक है क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं मैंने ना रियासी में और ना कटरा में म्यूनिसपैलिटी में किसी किस्म के कोई कैंडिडेट खड़े किए हैं और ना ही मेरा कोई इस किस्म का इरादा है यहां पे प्रचार करने का। लेकिन मेरी अपील है दोनों कस्बों के हमारे आवाम से वोटर से कि वो देख सुन करके बड़े आराम से पहचान करके क्योंकि आप यहां पे उम्र से रह रहे हैं आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बाहर से नहीं आए वो भी यहीं के हैं
तो कैंडिडेट्स आपको जानते हैं, आप कैंडिडेट्स को जानते हैं, अपनी इच्छा से, किसी प्रेशर में नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी में और उसके दबाव में आकर के नहीं, किसी बड़े लीडर के कहने से नहीं, अपनी इच्छा से आप मतदान करिए, अपनी इच्छा से आप कैंडिडेट चुनिए ताकि वो कल आपके जो काम करें और कल आपके काम आए। तो यही मेरा एक संदेश है। कोई कहता है कि नहीं जी आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई कहता है कि आप फलानी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि पार्टियों में भी यहां पे अच्छे कैंडिडेट्स कुछ हैं, अच्छे हैं जो अच्छे हैं, कुछ जो इंडिपेंडेंट्स हैं बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट्स हैं। हम देख रहे हैं बहुत अच्छा उनको लोगों को, इस लोगों के इस वक्त उनको इतना विश्वास प्राप्त है कि पार्टियां जो वो डरी हुई हैं। तो मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि आप देख सुन करके अपने आराम से वोट का इस्तेमाल कीजिए, किसी के दबाव में या पार्टी की या उसके दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बेस्ट विशेष जो है उन कैंडिडेट्स को भी, सभी को है और वोटर्स को भी।